जी नमस्ते, प्रणाम। हम प्रिंस सिंह राजपूत और इस चैनल के माध्यम से भोजपुरी तड़का को देखने वाला मेरे जितने दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। भैया बढ़िया है, आप बताइए। आजकल बहुत चर्चे में है, नई फिल्म आपको शूट करने जा रही है, फिल्म के बारे में बताएं कि किस फिल्म को शूट करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग 25 तारीख से जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म, रोमांटिक और एक्शन से भरपूर फिल्म है, तेरे इश्क में, उसका शूटिंग करने हम लोग जा रहे हैं। नाम ही है तेरे इश्क में, तो कंसेप्ट भी वैसे ही है, बिल्कुल लव स्टोरी फिल्म है। जी इस फिल्म के डायरेक्टर हमारे अजय कुमार जी हैं, जिसके साथ मैं चौथी फिल्म में करने जा रहा हूँ इसी साल। फर्स्ट में मैंने किया था हम तुम्हारे हैं सनम, फिर से रिश्ता जन्म जन्म के, तुम जो मिल गए, चौथी फिल्म हम लेके जा रहे हैं उनके साथ करने तेरे इश्क में। जी प्रोड्यूसर इसमें हमारे बड़े भाई हैं, माने सगे भाई है, प्रोड्यूसर नहीं है, मैं भाई बोल सकता हूँ उनको, अपने गोरखपुर के बहुत ही बड़े डॉन हैं, हमारे वेल्डर हैं अवधेश भैया, वो प्रोड्यूसर है उस फिल्म का। नहीं डॉन उनको पूरा गोरखपुर की जनता डॉन ही कहती है। जी जी इस फिल्म में मैं एज ए एक्टर लीड कर रहा हूँ, हमारी को आर्टिस्ट है पायस पंडित जी, जिसके साथ ही हैट्रिक मतलब की तीसरी फिल्में करने जा रहा हूँ। बाकी राम सुजान जी हैं, संजय जी हैं, अपना लोटा है, राहुल श्रीवास्तव हैं और दूसरी भी हीरोइन है, काफ़ी और भी विलेन वगैरह काफ़ी है इसमें। सिनेमा की बात करें तो भोजपुरी लॉकडाउन में काफ़ी अधिक शूटिंग हो रही है, आप क्राउड में ज़्यादा विश्वास करते हैं या हिंदी में क्या? क्राउड में या नहीं नहीं बिल्कुल मैं सिलेक्टेड फिल्म में करना चाहता हूँ। एक फिल्म के बाद मैं कम से कम 10 से 15 दिन गैप रखता हूँ, अपने शरीर पर वर्क करता हूँ, अपने लुक पर वर्क करता हूँ, तो मैं गैप करके ही फिल्में करता हूँ। फिल्म की जो शूटिंग गोरखपुर करने जा रहे हैं जी, वहाँ पर हमारे भोजपुरी मेगा स्टार ऑफिसर का क्षेत्र है जी, मूवी का क्षेत्र है, क्या इन लोग सिनेमा जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, जब से रवि भैया वहाँ से सांसद हुए लगभग मेरी सारी फिल्में वहीं शूट कर रहा हूँ मैं, ये मेरी सातवीं फिल्म होगी गोरखपुर में। बहुत सपोर्ट मिलता है वहाँ का, प्रशासनिक सपोर्ट, जो जनता है, योगी जी हमारे महाराज जी हैं, रवि भैया, इन लोगों से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, वो आते हैं, मुहूर्त करते हैं लोग, बहुत वहाँ पर हमको बहुत कम्फर्टेबल फील होता है। अभी तक लगभग मेरी 15-16 फिल्में आई हुई है, 15-16 फिल्में आई हैं, जैसे इंडियन, मिशन पाकिस्तान, फूल और काटे, नरसिम्हा, जिंसवाली भौजी, छल कबड्डी, काफ़ी फिल्म है, फर्ज, काफ़ी फिल्म है। इसके बाद क्या कुछ प्लानिंग फिल्मों को लेकर? जी तेरे इश्क में करने जा रहा हूँ, ये 10 दिसंबर तक हम लोग शूट करेंगे, फिर इस बीच मैंने एक मार्केट का फिल्म कर लिया था, जो ऑलरेडी 10 दिसंबर से मैंने डेट दिया था, तो हम 11 से उस फिल्म को शूट करने जा रहे हैं चित्रकूट में। जी उन वो डायरेक्टर जो उनके साथ बहुत पहले मैंने 2014 में फिल्म किया था बागी भेले सजना हमारा, हम थे, विराज भट्टी जी थे, अमरपाली जी थी, तो वही डायरेक्टर है आर के शुक्ला जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। फिर हम लोग 7 साल बाद उनके साथ मैं काम करने जा रहा हूँ, जो चित्रकूट में हम लोग शूट कर रहे हैं 11 दिसंबर से। जी उनकी है और भी, मैं एक रवि जी फिल्म करने जा रहे हैं, राम लखन बजरंगी उनकी है, फिर 3-4 फिल्में हैं साइन किया हूँ मैं, प्रोड्यूसर का नाम नहीं जानता क्योंकि डायरेक्टर से ही, डायरेक्टर ही साइन कराते हैं, तो प्रोड्यूसर 4-5 फिल्में हैं कंटिन्यू मेरा इधर। जी बिल्कुल, नरसिम्हा अभी मेरा ट्रेलर लॉन्च हुआ था, काफ़ी अच्छा व्यू जा रहे हैं, उसे गाने हमारे मिलियन पहुँचने वाले हैं, जैसे आप लोग प्यार आशीर्वाद दिए, बहुत जल्द थिएटर में रिलीज होना जा रही है नरसिम्हा, हम तुम्हारे हैं सनम, पल पल दिल के पास, ये रिश्ता जन्म जन्म के, शादी के चक्कर में, ये 2-3 महीने के अंतराल में सारी फिल्में रिलीज हो रही, तो आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद दीजिए। क्या रीजन है कि सिर्फ एक हीरोइन के साथ नजर आ रहे हैं? कौन सी हीरोइन नजर हम नहीं आ रहे हैं, वो डायरेक्टर साइन करते हैं, प्रोड्यूसर साइन करते हैं, तो हमारी अच्छी दोस्त है, अभी उन्होंने प्रोडक्शन, नहीं जोड़ी हम नहीं बनाते हैं, भगवान बना के भेज दिए हैं, ये सब माता रानी का आशीर्वाद है, हमारे दर्शक का है, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हम लोग को पसंद कर रहे हैं जोड़ी, हम लोग ये रिश्ता जन्म जन्म से पहले एक दूसरे को उतना आदमी जानता भी नहीं था, लेकिन वो फिल्म किया, एक लगा हुआ, दोनों लोग मिले, अब कंटिन्यू फिल्में उन्हीं के साथ मैं कर रहा हूँ, ना मैं उनको रिकमेंड करता हूँ ना वो हमको रिकमेंड करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर
दोनों को ही साइन कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं। अब ऐसा कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई कंसेप्ट आएगा, हमारे बड़े आर्टिस्ट है, वो लोग अगर काम करना चाहेंगे तो हम करेंगे साथ में। ठीक है, नमस्ते। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।